हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ। तो बहुत से आजकल फ़ोनों में स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बहुत से भाइयों के पास जिनके पास सैमसंग के पुराने फ़ोन हैं या कोई ही फ़ोन है जिनमें स्क्रीन कास्ट नहीं होता है, तो वो लोग अपनी स्क्रीन कैसे शेयर करें। ये स्क्रीन कास्ट जैसे मेरे फ़ोन में इनबिल्ट है, और इस वाले फ़ोन में देख लीजिए, इस वाले फ़ोन में भी इनबिल्ट है, लेकिन आप बिना स्क्रीन कास्ट के आप स्क्रीन शेयर कैसे करेंगे। तो आज इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन लोड करनी पड़ेगी। आपको इसके लिए आप जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर में, ठीक है। इसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर क्विक सपोर्ट, ठीक है। तो ये रहा क्विक सपोर्ट, क्विक सपोर्ट ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है, और दूसरे फ़ोन में आपको लोड करना है। तो दूसरे फ़ोन में आपको जाना है, आपको इस पर आपको लोड करना है टीम व्यूवर। ये आ गया टीम व्यूवर, दूसरे नंबर टीम व्यूवर क्विक सपोर्ट लोड करना है आपको। तो ये आप यहाँ से इसको डाउन, ये रहा इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर दिए। मैं इन दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों फ़ोन में आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो मैं दोनों फ़ोन में ऐप ओपन कर लेता हूँ। इसमें मैंने क्विक सपोर्ट ओपन कर लिया, इस वाले में मैं टीम व्यूवर खोल लेता हूँ। तो मैंने ये ओपन कर लिया। तो ये जिस रिमोट कंट्रोल वाले को इसमें से आपको कोड डालना है, तो इसमें कुछ नहीं मांगता। इस वाले में, दूसरे वाले में आप एग्री एंड कंटिन्यू करें, इसके बाद इसको स्किप कर दें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक कोड आएगा, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें आने में, ये आ गया, ठीक है। आप इस कोड को शेयर कर सकते हैं या डायरेक्ट इस अपने फ़ोन में देख के इसमें डाल सकते हैं। तो मैं इसमें नंबर डाल लेता हूँ। तो अब हम इसमें कोड डाल लेते हैं। तो इसमें दिख रहा है, तो मेरा इसके बाद आपको ये रिमोट कंट्रोल दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इसका ये प्रोसेसिंग चलने लगती है। इसके बाद यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांग रहा है, तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद ये परमिशन एक और मांग रहा है, तो इस पर आप इनेबल कर दीजिए। तो मैं इस पर इनेबल कर देता हूँ। इसके बाद ये इसको नीचे आ रहा हूँ, सबसे नीचे ये रहा व्यूवर का यूनिवर्सल, तो इसको आपको ऑन करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसे ऑन कर रखा है, तो मैं इसे बैक कर देता हूँ अब। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसके बाद इसको स्टार्ट नाउ पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओके कर दीजिए, बस देखिए कनेक्ट हो गया। अब देखिए जो मैं इस वाले फ़ोन में करूँगा, देखिए सेम वही उसी फ़ोन में भी होगा। ये नेट कनेक्शन से चलता है, अगर आपका नेट अच्छा चलता है तो बिल्कुल स्मूथ चलेगा, वरना थोड़ा अटक अटक के काम करेगा। तो देखिए जो मैं इस फ़ोन पर करूँगा, और अगर दूसरे फ़ोन पे आप करेंगे तो देखिए इसमें टच शो होगा, ठीक है। तो जैसे आपको बताना है कि उससे गैलरी खोलना है, कुछ करना है, तो ऐसे आप टैप कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे करके आप कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आप इसको यूज़ करें और स्क्रीन कास्ट का मजे लें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें।